गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू मुसाफिर मेडिक। अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:20 और बस भाई अब यहाँ पर नहीं रुका जा रहा, मणिपाल छोड़ के जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सारे क्लासेस आज की कर ली हैं और कुछ दिन के लिए घर पे कुछ काम है तो बस निकल रहे हैं। 7:20 की ट्रेन है तो भाई लेट ना हो जाए, चलते हैं। वो मैं भरता हूँ। ये मैं बाद में भर दूंगा, ये अभी भरना है। तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है और बस बैठ के चलते हैं। 20 मिनट पहले ही आ गई है, चले भी जल्दी चले तो अपने टाइम पे ही चलेगी। वैसे तो सेटल हो गए, ऊपर का बर्थ मिला है, थोड़ा कंजेस्टेड है पर चलेगा। बाकी आज आराम करेंगे भाई, बढ़िया लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं ट्रेन में और अभी तो थकान पता नहीं लग रही है, कल शायद घर पहुँच के लगे। अकेले आते हैं ट्रेन में, सफ़र काफ़ी लंबा होता है, वरना अगर दो लोग हों या फिर कोई ग्रुप हो तो बहुत जल्दी समय कट जाता है। सुबह 5:45 के आसपास न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे, बस सही टाइम पे जग जाए वरना आगे बढ़ जाएंगे। तो फाइनली तीसरा दिन, अब 6 सुबह के और न्यू दिल्ली पहुंच चुके हैं। लगभग 30 घंटे हिलते डुलते चलने के बाद पहुंच गए हैं भाई। अब बस यहां से मेट्रो लेनी है थोड़ा आगे जाके। सुबह के 6:30 जाम लगा है भाई। हमारी समस्या तो भाई मेट्रो स्टेशन 6 खुल जाता था, शायद ब्लू लाइन चलती है, यहाँ से पिंक लाइन चलती है, तो कह रहे हैं कि 8:30 खुलेगा। बाकी 15 अगस्त की वजह से काफ़ी कुछ बंद हो रखा है तो कुछ कर नहीं सकते, ऑटो वगैरह भी नहीं मिल रहे। तो यहाँ से पहले जाएंगे अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन, तो वहाँ से भाई ब्लू लाइन लेके पहुँचेंगे घर। चैन से बैठ के इंतजार करोगे। अब आधे घंटे आराम पर, अब थकान महसूस हो रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ सही बात है, घर जाके खातिर दादी जो चाहिए। पहुंचने ही वाले 17:18 आ गया बस। भैया जी ने गलत बोल दिया, नोएडा सिटी सेंटर नहीं है, 17:18 है, अभी सिटी सेंटर आएगा। नीचे भाई इंतज़ार कर रहा होगा ले जाने के लिए। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ही समाप्त करते हैं और मिलेंगे एक नए दिन एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।